क्या आपने कभी सोचा था कि एक किसान का बेटा सिर्फ 24 साल की उम्र में एक 40 साल पुरानी कंपनी की नींव हिला देगा। साल 1969, ये कहानी है एक केमिस्ट की जो कि अपने बैकयार्ड में केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता था। लेकिन उससे भी बड़ी बात, ये कहानी है एक बाप की जिसने बहुत ही कम उम्र में अपनी बेटी को खो दिया था। एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी जो कि हर घर में इस्तेमाल हो सकती थी। वो चीज थी डिटर्जेंट पाउडर। उन दिनों भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर का बहुत जबरदस्त दबदबा हुआ करता था। हर घर में उनके प्रोडक्ट जाया करते थे। 1933 में शुरू हुई HUL ने 1969 तक मार्केट के अंदर इतनी मजबूत पकड़ बना ली थी कि उनको हराना नामुमकिन सा हो चुका था। लेकिन किसने सोचा था कि एक 24 साल का लड़का अपनी साइकिल के ऊपर डिटर्जेंट बेच कर हिंदुस्तान यूनिलीवर को उन्हीं के गेम में हरा देगा। साल के करसन भाई पटेल एक केमिस्ट थे और वो अपने आंगन के अंदर कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड बना डाला जिसको डिटर्जेंट पाउडर की तरह यूज किया जा सकता था। करसन भाई ने उस डिटर्जेंट का नाम रखा निरमा। निरमा नाम बनाए निरुपमा से। निरुपमा पटेल करसन भाई की बेटी थी जिसको उन्होंने बहुत ही कम उम्र में खो दिया था। अब प्रोडक्ट तो बन गया है, लेकिन इसको बेचे कैसे? जब करसन भाई ने सारे रिटेलर्स को अप्रोच किया कि आप अपनी दुकान में मेरा प्रोडक्ट रख लो, मेरा निरमा बेच दो, तो सारे के सारे रिटेलर्स ने उनको मना कर दिया, क्योंकि उन दिनों मार्केट के अंदर एक ही डिटर्जेंट पाउडर चलता था और वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ एक्सेल। ये देखते हुए करसन भाई ने अपनी साइकिल पे लोगों के घरों में जाकर निरमा बेचना शुरू किया। वो सुबह को साइकिल पे ऑफिस के लिए निकलते और रास्ते में जितने भी घर पड़ते थे उन सारे घरों में वो निरमा बेचते थे, और जब वो वापस आते थे ऑफिस से तो तब भी वो यही काम करते थे। 1988 में निरमा ने मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया था। हर एक घर में हर एक इंसान के मुंह पर एक ही नाम था, निरमा। 60% मार्केट शेयर के साथ निरमा उस वक्त इंडियन डिटर्जेंट मार्केट को लीड कर रहा था। अब सवाल यह आता है कि निरमा ने आखिर इतने कम टाइम में इतना सब कुछ कैसे कर लिया, और अगर आज की डेट में देखा जाए तो शायद ही कोई निरमा को यूज करता है, तो इतने बड़े डाउनफॉल के पीछे क्या कारण है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन से बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीख के अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने 1994 में निरमा के स्टॉक में सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2009 तक वो 1 करोड़ रुपए बन चुके होते। इनफैक्ट निरमा ही नहीं, अगर आपने किसी भी FMCG स्टॉक में कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज वो करोड़ों रुपए बन चुका होता। सो 1969 में डिटर्जेंट पाउडर वॉज अ लग्जरी। हर घर के अंदर डिटर्जेंट पाउडर नहीं यूज होता था। इनफैक्ट इंडिया के 90% घरों के अंदर साबुन की टिक्कियों से ही कपड़े धोए जाते थे। अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों था? सो इसका रीजन है द हेलो इफेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, जब हम किसी भी चीज के एक या दो फीचर जानकर उसकी क्वालिटी को जज करते हुए एक इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई बंदा है जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लेकिन उसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, एंड सडनली कोई आके उसको बताता है कि स्मॉल केस एक ऐसी कंपनी है जो उसकी मदद कर सकती है। सो स्मॉल केस लोगों को स्टॉक्स के बास्केट बनाकर देती है, जैसे कि FMCG ट्रैकर जो कि इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग FMCG स्टॉक्स का कलेक्शन है। ऐसी हाउस ऑफ टाटा जो कि टाटा की बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज के स्टॉक्स का कलेक्शन है। और स्मॉल केस के अंदर बेस्ट बात तो ये है कि हर एक मार्केट कंडीशन के अंदर पैसा ग्रो करेगा, क्योंकि फंड मैनेजर्स ऑटोमेटिकली मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए स्टॉक्स को रीबैलेंस करते रहते हैं। अब सिर्फ ये दो बातें जानकर कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट के अंदर सेफली पैसा इन्वेस्ट करके अपना पैसा ग्रो करना चाहता होगा तो वो स्मॉल केस को यूज कर लेगा, भले ही उसको ये ना पता हो कि स्मॉल केस अपनी न्यूज एंड अपडेट्स के फीचर के थ्रू अपने सारे के सारे यूजर्स को मार्केट में चल रही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देता है, एंड इसी को कहते हैं द हेलो इफेक्ट। वैसे स्मॉल केस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली निरमा के मार्केट के अंदर आने से पहले डिटर्जेंट पाउडर का ये परसेप्शन था, अ थिंग ऑफ रिच। वो हिंदी में कहते हैं ना कि अमीरों के चोचले हैं भाई साहब। HUL का सर्फ उन दिनों 15 रुपए का आता था। अब आप बोलोगे भाई ये महंगा थोड़ी है, आई नो, बट 1969 में एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के हिसाब से 15 रुपए महंगा हुआ करता था। करसन भाई को मार्केट के अंदर ये गैप नजर आया और उन्होंने मार्केट की इसी परसेप्शन को टर्न अराउंड किया निरमा लॉन्च करके। जहाँ HUL का सर्फ एक्सेल 15 रुपए का आता था, वहीं पे निरमा सिर्फ 3 रुपए में लोगों को अवेलेबल कराया। इंटरेस्टिंगली अब HUL चाहकर भी अपने सर्फ एक्सेल का प्राइस 3 रुपए के ऊपर नहीं ला सकती थी। क्यों? क्योंकि सर्फ एक्सेल एक प्रीमियम प्रोडक्ट था, और जब भी कोई कंपनी किसी भी प्रीमियम प्रोडक्ट का प्राइस हद से ज्यादा गिराती है तो लोग उसके ऊपर डाउट करके उसको खरीदना बंद कर देते हैं। इसलिए एडिडास अपना पुराना स्टॉक जला देती है, लेकिन कभी भी एडिडास अपना जूता 200 रुपए के अंदर नहीं बेचती। और देखते ही देखते निरमा हर एक घर के अंदर छा गया। अब अमीर से लेकर मिडिल क्लास हर एक घर के अंदर डिटर्जेंट पाउडर था। उसके बाद करसन भाई पटेल ने कुछ और सेल्समैन को हायर किया और अपना मार्केट बेस बड़ा करते चले गए। लेकिन अचानक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और जल्दी कुछ नहीं किया तो निरमा बैंक्रप्ट
हो जाती। वो प्रॉब्लम थी क्रेडिट ओवरलोड। रिटेलर्स अपनी दुकान में निर्मा रख तो रहे थे लेकिन पेमेंट्स देने में बहुत ज्यादा नाटक कर रहे थे। जब भी निर्मा के सेल्समैन रिटेलर्स के पास जाते थे अपनी पेमेंट लेने के लिए तो रिटेलर्स उनको कोई ना कोई बहाना देकर लटका देते थे। 3-4 महीने गुजर जाते थे लेकिन निर्मा को अपनी पेमेंट्स नहीं मिलती थी। उन दिनों निर्मा का क्रेडिट ओवरलोड इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि और 2 महीने निर्मा को अगर अपनी पेमेंट्स नहीं मिलती तो निर्मा बैंकक्रप्ट हो जाती। और इससे लड़ने के लिए करसन भाई ने बनाई सप्लाई स्केयर्स स्ट्रेटजी। सो देखो ये कैसे काम करती है। बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ रही हो और उसकी सप्लाई बहुत कम हो तो उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। पर यहाँ पर करसन भाई ने कुछ और किया। जब रिटेलर्स उनके पैसे नहीं दे रहे थे तो करसन भाई ने अपना सारा का सारा स्टॉक मार्केट से वापस बुलवाने का डिसीजन लिया। और अगले 5 दिन में निर्मा ने अपना सारा का सारा स्टॉक मार्केट में रिटेलर से वापस बुलवा लिया। और उसके बाद एक धमाका हुआ। निर्मा ने अपना एक टीवी एडवर्टाइजमेंट निकाला। इस एक एडवर्टाइजमेंट ने लोगों का डिटर्जेंट पाउडर को लेकर परसेप्शन ही चेंज कर दिया। ये कैंपेन रातों रात इतना पॉपुलर हुआ कि अब लोगों को निर्मा ही पसंद आने लगा। सबको निर्मा चाहिए था। बट सरप्राइज, मार्केट के अंदर तो निर्मा था ही नहीं। लोगों ने जाकर रिटेलर्स पे निर्मा डिमांड किया लेकिन रिटेलर्स के पास तो कोई स्टॉक ही नहीं था लोगों को देने के लिए। और रिटेलर्स को हो गया भयंकर स्ट्रेस कि भाई निर्मा की इतनी डिमांड आ रही है लेकिन निर्मा है ही नहीं मार्केट में कहीं, हम दे कहां से लोगों को। और अब करसन भाई दोबारा रिटेलर्स के पास बैठे लेकिन इस बार ही उन्होंने डील अपनी कंडीशंस के ऊपर करी और उसके बाद माल दिया। अब जो रिटेलर्स 3-3, 4-4 महीने तक पैसे नहीं देते थे वो रिटेलर्स भी करसन भाई को फुल कैश देकर निर्मा उठाने लगे। देखते ही देखते हर मिडिल क्लास घर में निर्मा इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि सर्फ एक्सेल को लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। साल 2000 तक निर्मा हर महीने 1.72 लाख टन्स ऑफ डिटर्जेंट पाउडर बेच रहा था। और 2009 आते आते करसन भाई पटेल इंडिया के 92nd richest man बन चुके थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो मार्केट शेयर एक टाइम पे 60% था वो आज सिर्फ 6% रह गया है। सो इसका रीजन है मार्केट का डायनामिक एनवायरनमेंट। 2010 से पहले इंडिया का पर कैपिटा इनकम था सिर्फ 1000 रुपए लेकिन 2010 के बाद प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते ये स्पीड से बढ़ने लगा। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने लगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि इंडिया इज अ स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी। यहाँ पर लोग वेल्थ के पीछे नहीं स्टेटस ऊपर दिखाने के पीछे ज्यादा भागते हैं। लोग हर उस चीज से परहेज करने लगे जो उनको चीप फील करवाती थी। निर्मा सस्ता था लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट निर्मा की वाइब बहुत सस्ती थी। निर्मा की पैकेजिंग बहुत लो क्वालिटी की थी और इसलिए लोगों ने निर्मा यूज करना कम कर दिया। एंड क्योंकि निर्मा ने अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई इनोवेशन नहीं किया था, अपने एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर कोई इनोवेशन नहीं किया था, तो धीरे धीरे लोग निर्मा को भूलते गए। एंड जो कंपनी एक टाइम पे मार्केट को लीड कर रही थी आज उसको कोई पूछ भी नहीं रहा था। प्लस इसके साथ साथ निर्मा ने बहुत सारे अनरिलेटेड बिजनेस के अंदर भी एंट्री करी। साल 2005 आने तक निर्मा एजुकेशन, केमिकल्स, सीमेंट इन सारे बिजनेसेस के अंदर हाथ डाल चुका था। गलत कुछ नहीं है इसमें लेकिन डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइजेशन। डाइवर्सिफाई तो HUL ने भी कर रखा है लेकिन उन्होंने हर एक बिजनेस सेगमेंट को सेपरेटली मैनेज कर रखा है ताकि उनका हर एक ब्रांड इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म करे। अब सबसे इम्पोर्टेंट वो कौन से बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीख के अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, नो वर्क इज स्मॉल। करसन भाई पटेल ने अपनी साइकिल के ऊपर लोगों के घर घर जाकर निर्मा बेचा बिना ये सोचे कि ये तो एक बहुत ही छोटा सा काम है। काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम हमेशा काम होता है। तो किसी भी काम को कभी भी छोटा या बड़ा मत समझो, हर काम की अपनी वैल्यू होती है। सेकंड लेसन, फिल द गैप। हर एक इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई गैप जरूर होता है और जो भी उस गैप को फिल करता है वो हमेशा आगे निकल जाता है। करसन भाई पटेल ने डिटर्जेंट मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई किया और जैसे ही उन्होंने उस गैप को फिल किया उनका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। एंड थर्ड लेसन, RCI। क्या मतलब है इसका? रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जैसे ही आप ये सोचते हो कि बस अब मेहनत करने की क्या जरूरत है, वो आपके अंत की शुरुआत है। हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करता जाए, अपने प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करे, अपने प्रोसेसेस के अंदर करे, इनफैक्ट अपने लोगों के अंदर भी करे। और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो स्मॉल के जरूर ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज की डेट में आपकी इनसिक्योरिटीज का इस्तेमाल करके कंपनीज आपके साथ क्या क्या करती है? राइट वाली वीडियो देखोगे ना तो जान जाओगे।